वेलकम स्टूडेंट्स टू योर ऑनलाइन क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश रीडर चैप्टर टू का द ड्रीमर का नेक्स्ट पार्ट। बट गौतम एक्सेप्टेड एवरीवन, आई वांट टू वेंडर लाइक हिम। जो गौतम था, लेकिन गौतम है वो, उन्होंने सबको एक्सेप्ट किया, सबको किया और मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता। सो यू आर कमिंग टू सी द प्लेस वेयर बुद्ध महाराज स्टेड विथ आम्रपाली टू बी श्योर। वॉट वॉज हिज आंसर? तो उसने क्या बोला, अच्छा तभी तुम बुद्ध महाराज का वो जगह देखना चाहते आम्रपाली के साथ जहाँ पर वह रुके थे। वी वेंट टू गया टाउन टू डू सम शॉपिंग। हम गया शहर गए शॉपिंग करने के लिए। एंड ही टुक देवकी नंदन पांडे विथ हर्स इन द इवनिंग एंड हैड डिनर इन द शेर पंजाब रेस्टोरेंट। वह देवकी नंदन पांडे को भी अपने साथ ले गए शाम को और उन्हें शेर पंजाब रेस्टोरेंट में सभी लोगों ने डिनर किया। माई कंपेनियन थॉट ही वी शुड बाय हिम अ शर्ट इन प्लेस ऑफ द वन ही हैड वॉर्न आउट वॉशिंग अवर कार बट ही वुड नॉट हियर ऑफ इट। मैं मतलब मेरी जो साथ में थे उन्होंने सोचा मेरी बीवी ने कि हमें उसे एक शर्ट दिलाना चाहिए जिससे उसने उतार कर पूरी कार को साफ़ किया था, लेकिन उसने ये नहीं सुना। द मोस्ट ही वुड एक्सेप्ट वॉज हाफ अ किलो ऑफ लड्डूज़ फॉर हिमसेल्फ एंड हिज मदर। उसने क्या एक्सेप्ट किया, आधा किलो लड्डू जो उसने अपनी और अपनी माँ के लिए। एंड वेन वी रिटर्न वी फिक्स्ड विथ हिम टू कम बिफोर सनराइज नेक्स्ट मॉर्निंग टू गो टू मिथिला विथ अस। और हम लोगों ने लौटते समय ये फिक्स किया कि कल सुबह सूरज उगने के बिफोर सनराइज सूरज उगने के पहले अगली सुबह हम मिथिला के लिए निकल जाएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वेटेड फॉर हिम। दूसरी सुबह हम उसका इंतज़ार कर रहे थे। एज वी वेटेड फॉर द सनराइज, हम सूरज उगने का सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। बोथ वेल लेट, हम दोनों लेट हो गए थे। द क्लाउड्स हिट द सन, जो क्लाउड थे बादल थे वो सूरज को ढक दिया था उन्होंने। एंड द हीट मिस्ट ऑफ बोथ गया कर्टेन देवकी नंदन पांडे फ्रॉम आवर व्यू। और जो देवकी नंदन पांडे है, हम लोग वहाँ से निकलने वाले थे और वह हमें नहीं दिख रहा था। एज मिथिला वुड बी अ फुल डे ड्राइव ऑन बैड रोड्स, मिथिला जाने के लिए हमें पूरे दिन ड्राइव करना था क्योंकि वहाँ की रोडें बहुत ख़राब थी। आई बिकेम इम्पेशेंट एंड वेंट टू लुक फॉर हिम। मैं इम्पेशेंट हो गया उससे देखने के लिए और मैं जाकर उससे देखने लगा कि वो क्यों नहीं आया। ऑल द अदर अर्चन्स वेर देयर नियर द श्राइन बट देयर वॉज नो साइन ऑफ आवर फेवरेट। सभी जो बच्चे थे वहाँ पे वो दिख रहे थे, गरीब बच्चे, लेकिन जिसे हम जो हमारा फेवरेट था, जिसका हमको इंतज़ार था, वो नहीं दिख रहा था। टेम्पटेवली आई वेंचर टू आस्क अराइवल द बिग बॉय हु आस्क्ड फॉर अ टिप फॉर डूइंग नथिंग द अदर डे वेयर इज़ देवकी नंदन पांडे। फिर बड़े उस सर मैंने एक बच्चे से पूछा, एक बड़े बच्चे से जो वहाँ पर था, जो हमें हमसे कुछ भी नहीं करने के लिए टिप मांग रहा था कि वेयर इज देवकी नंदन पांडे, देवकी नंदन पांडे कहाँ हैं। उसने बोला कौन, आई रिपीटेड द ग्रैंडेस्ट नेम, मैंने उनका नाम फिर से लिया देवकी नंदन पांडे। देयर इज़ नो वन ऑफ दैट नेम इन बोधगया, उन्होंने क्या बोला, बोधगया में इस नाम का कोई नहीं है। दैट टाइटल दैट लिटिल वन आइड बॉय आई इंसिस्टेड, मैंने उसे बताया कि जिसकी एक आँख है, हिज नेम इज कानिया वन आइड। उसने क्या बोला, उसका नाम क्या है, कानिया। ओ ही टोल्ड मी, ही इज़ गुड एट टेलिंग स्टोरी, उसने जो हम लोगों को बताया और वह बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता है। बट ही वॉज कमिंग टू मिथिला विथ हर्स, उसने क्या बोला, लेकिन वो हमारे साथ मिथिला आने वाला था। ही हैड आस्क्ड हिज मदर, उसने उनकी माँ के बारे में पूछा। ही हैज़ नो मदर नॉर फादर, उसने क्या बताया कि उसकी कोई माँ कोई पिताजी नहीं। यू मीन ही हैज़ एन ऑर्फन, उसने बोला क्या मतलब है तुम्हारा, क्या वो एक अनाथ है। उसने बोला हाँ साहब, स्टोरी टेलर लायर एंड यू गेव हिम अ रुपी एवरी डे फॉर क्लियरिंग द कार। उसने बोला हाँ साहब, वह कहानी सुनाता है, वह झूठा है, जिसे आप रोज़ एक रुपये देते थे अपनी गाड़ी को साफ कराने के लिए। वेयर कुड ही बी, आई आज नाउ वेरी कंसर्न अबाउट द बॉय, मुझे उस लड़के की बहुत चिंता हो रही थी। मैंने उससे बोला कि वह कहाँ है। इफ़ ही वॉज एन ऑर्फन एंड टोल्ड द स्टोरी टू कीप अप हिज मोरल, ही वॉज ब्रेवर देन आई थॉट हिम टू बी एंड मोर लवेबल, आई वुड रियली टेक हिम अवे। उसने क्या बोला, अगर वह एक अनाथ है और वह कहानियाँ सुनाता है और अपने मॉरल को डाउन नहीं होने देता और वह बहुत ही बहादुर है, तो मुझे जितना लगता था वो उससे भी ज़्यादा लवेबल है, मैं उसे ज़रूर अपने साथ लेकर जाऊँगा। द राइवल जस्ट वेव्ड हिज हेड नेगेटिवली, उसने अपने जो उसका राइवल था, जो मतलब उस बच्चे से चिढ़ते थे जो बच्चे, तो वह उसे
उसने अपने सर को हिलाने लगा. इन द विलेज आई परसिस्टेड, गांव में हम जाकर पूछने लगे. आई डोंट नो, ही इज़ अ ड्रीमर, ही मस्ट बी समवेयर अराउंड ड्रीमिंग अबाउट द मदर ही टोल्ड यू अबाउट. क्या बोलता है कि वह एक ड्रीमर है, सपने देखने वाला है, वो कहीं बैठकर वह सपने देख रहा होगा उस माँ के बारे में जो उसने हमें बताया. ऑल माई कंपेनियंस मदरली इंसिस्ट वेयर अराउज्ड वेन आई टोल्ड हर द ट्रूथ टोल्ड टू मी बाय द राइवल ऑफ देवकी नंदन पांडे. मैंने जाकर घर पर बताया पूरा सच कि जो उसके राइवल है, जो वो बच्चे से चिढ़ते थे, उन्होंने देवकी नंदन पांडे के बारे में ऐसा ऐसा बताया. एंड शी इंसिस्टेड ऑन आवर गोइंग टू सुजाता विलेज टू लुक फॉर, और उन्होंने क्या इंसिस्ट किया कि हम सुजाता के विलेज में जाकर यह सब उसको ढूंढते हैं. एवरी वन न्यू हिम बाई डिस्क्रिप्शन, सभी लोग उसे उसके डिस्क्रिप्शन से पहचानते थे. बट ऑल द विलेजर्स सेड दैट ही डिड नॉट लिव इन दैट विलेज, लेकिन सभी गाँव वालों ने क्या कहा कि वह इस गाँव में नहीं रहते हैं. ही समटाइम्स केम देयर टू शो विजिटर्स, वो कभी कभी यहाँ पर आता है विजिटर्स को घुमाने के लिए पहाड़ों पर. सुजाता गेव और इन जगहों पर जहाँ पर सुजाता ने गौतम बुद्ध को चावल और दूध दिया था. द र्यूमर वॉज दैट ही स्लेप्ट समवेयर नियर द बोधगया टेम्पल टैंक, कुछ लोगों ने बताया कि वह शायद वहाँ सो रहा होगा जहाँ बोधगया मंदिर है, वहाँ टैंक के पास. वी केम बैक टू द श्राइन एंड सर्च्ड हाई एंड लो फॉर द बॉय. एट द एंड वी फेल्ट सो फूलिश आस्किंग पीपल हु डोंट केयर वेदर ही लिव्ड और डाइड दैट ही गेव अप एंड गॉट इन टू द कार टू गो. हम वापस आ गए उसे ढूंढते हुए, हम लोगों ने सही सब जगह उसे ढूंढा और लास्ट में हमें लगा कि हम मूर्ख हैं, हम उन लोगों से पूछ रहे हैं उसके बारे में जिससे उसे उसके जीने या मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वी बैक गॉट इन टू द कार टू गो, हम वापस आ गए अपनी कार में जाने के लिए. द ड्रीमर ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग गौतम बुद्ध सैड हिज राइवल एज ही डिड नॉट गेट अ टिप फॉर फ्रॉम अस, उसके जो राइवल थे जो उस बच्चे उससे चिढ़ते थे, वह उस हमारे द्वारा उनको टिप नहीं दी गई. और वह क्या उसे बोल रहे थे, अरे सपने देखने वाला वह क्या सोचता है, वह अपने सपनों में सोचता है कि वह गौतम बुद्ध है. ठीक है बेटा, यह आपका चैप्टर फिनिश होता है, इसे आप घर पर और अच्छे से पढ़िएगा. थैंक यू.